टायर कितने खूबसूरत लग रहे हैं गाड़ी के, माशाल्लाह जी। ये है जी, और ये वैसे भी थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है। ये क्रिस्टल कंपनी का है, वो क्रिस्टल कंपनी का है। ये उस समय मैंने 2000 का चेंज करवाया था, लेकिन अब इसकी भी बात हो गई है, आगे भी क्रिस्टल वाला है। क्योंकि जब गाड़ी मुझे जीरो मीटर कहना, जब मैंने खरीदी थी तो उस वक्त एक टायर इसका फटा हुआ था, तो बैलेंसिंग के दौरान, फिर ये टायर मैंने 2000 का खरीदा था। तो क्या आप बताएंगे हमारी ऑडियंस को हम कहाँ पर जा रहे हैं? हम जी आज गाड़ी के नए शूज लेने जा रहे हैं, और एक साल से ज्यादा हो गया गाड़ी को, वही टायर जो साथ आए थे वो आए, और एक टायर मैंने खुद खरीदा था, क्योंकि तीन टायर थे, एक स्टेपनी थी ट्यूब वाली, और वो फटा हुआ टायर था। टायर वाकई महंगे हो गए हैं। मेरी गाड़ी के अंदर जो प्रोफाइल लगी हुई है वो है 155/70R12। तो यार ये टायर जब मैंने गाड़ी ली थी, उस वक्त जब मैं सेकंड हैंड टायर लेने गया था तब मैंने पता किया था, तो जर्नल का उस वक्त सेम प्रोफाइल में टायर था, 4500 से 5000 के दरमियान मिल रहा था। कोई 5 कहता था, कोई 4500 कहता था। चाइना के 4000 से लेके 5000 के दरमियान में टायर मिल रहे थे, और उसके बाद आ जाते थे ब्रांड के जो टायर आते हैं, बड़े टायर मिल रहे थे, और वो आई थिंक 6.5-7.5 हज़ार में थे। डनलोप का महंगा था, ब्रिजस्टोन का उससे सस्ता था। आज की जो सिचुएशन है, आज के हालात में ये भाई हालात हुए हुए हैं कि जो टायर जर्नल का है ना, मैंने पूछा, वो 7.5 हज़ार रुपये का उन्होंने बताया, और जो डनलोप का है वो टायर 10 हज़ार के पास है, और जो टायर है जी आपका ब्रिजस्टोन का वो भी 7.5-8 हज़ार के है। मैंने फ़ोन करके पूछा, अभी मार्केट में एक दो दुकानों से पता कर लेंगे। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work. Finally, first shop. यहाँ से पता करते हैं, अगर यहाँ पे अच्छे टायर मिल जाते हैं सही रेट में तो यहाँ से ले लेंगे। मैं रूम हरी खड़ी है वहाँ पर, और उसके बाद मिल जाएगा चाइनीज के 3-4 और ने ये ब्रांड से लेना है, ब्रिजस्टोन मिल जाएगा। टायरों के तो हालात बहुत बुरे हैं, तो ब्रिजस्टोन का टायर ही बड़ा महंगा बता रहे हैं। कल मैंने रेट पूछा 1000 रुपया ज़्यादा बता रहे हैं, एक दिन बाद ही। बहरहाल अभी एक आधी दुकान पे और जाते हैं, फिर देखते हैं क्या सिचुएशन है। हमारा पुराना माल जो हमने उतार दिया, ये फोर्स कंपनी के, ये भी चाइनीज़ ही हैं। अभी भी टायर जो है वो चाइनीज़ वाला ही रिकमेंड किया गया, ये ब्रिजस्टोन से ज़्यादा चल जाएगा। ब्रिजस्टोन भी 2 तरह के आ रहे हैं, रेट काफ़ी ज़्यादा था, दो टायर उतर गए हैं, कैम्बर कर लिए इधर से, थोड़ी सी नीचे का कैम्बर करवा लिए गाड़ी, ठीक है। टायरों के बगैर चलाने का रहता है। For a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. जी अब गाड़ी चेक करें, अब टायर कितने खूबसूरत लग रहे हैं गाड़ी के, माशाल्लाह जी। ये है जी, और ये वैसे भी थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है, क्योंकि वो टायर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हुआ था। ये वाला जो है चक्के का, सॉरी कवर, व्हील कप जो है वो उस दिन उड़ गया था वीडियो के दरमियान, जब मैं गया हुआ था दूसरे शहर। ये जो टायर, ये 7000 में हम लोग ये वाला कहा जी, ये भी 40000 बड़े आराम से चल जाता है। देखिए गाड़ी काफ़ी खूबसूरत लगने लगी है, नए टायर तो चेंज करवा लिए हैं, लेकिन गाड़ी की अलाइनमेंट भी करवानी है, चेक करवानी है ज़रा, तो इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। गाड़ी की अलाइनमेंट वगैरह होती है, तो फिर आगे का काम देखते हैं क्या। तो ये भी चेंज कर रहे हैं। हाँ जी, वो लीक हो रहा था वहाँ से बॉटल को ना, पानी वापस से आके तो निकल जाता था, तो अभी 500 का ले गए हैं, देख लें कीमतें कहाँ चली गई। ये भी चेंज कर लिया है, ओके अभी अलाइनमेंट रहती है बस, मैंने बता दिया होगा पहले, अलाइनमेंट रहती है अभी। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, आई नीड अ बिग चेंज, हेल्प मी फील लाइक। क्या आप बताना पसंद करेंगे, आपको कैसा लग रहा है, कैसी वाइब्स आ रही हैं ये टायर्स वगैरह चेंज करवाने के बाद, अलाइनमेंट वगैरह कराने के बाद? गाड़ी के ड्राइव में भी फर्क महसूस हो रहा है, शोर भी कम आ रहा है, ग्रिप भी महसूस हो रही है। वो तो कोई भी नया टायर आप चेंज कराओ आपको फर्क होगा, थोड़ा सा बस वो बैलेंसिंग भी एक दफा इसकी चेक हो जाएगी ना। रात पड़ गई है 12 बजे, कब ना 3-4 बजे के निकले हुए हैं, 8 बज गए हैं, तो अलाइनमेंट में भी थोड़ा सा ज़रा टाइम उधर लग गया। खर्चा जो है वो तकरीबन 27000 रुपये का हुआ है, पुराने टायर दे दिए, उनमें से एक टायर तो टेढ़ा था, तो जब मैं गाड़ी चलाता था 70-80 में, तो वो 80 से ऊपर जाके गाड़ी पूरी वाइब्रेट होती थी, अब वो वाइब्रेशन जो है वो 80% कम हो गई। अभी थोड़ा सा बैलेंसिंग का जब हो जाएगा तो तब और वो ठीक हो जाएगा। दो टायर जो थे उनमें से एक तो वो बबलिंग वाला निकला टेढ़ा था उन्होंने, और दूसरा एक कटा हुआ था, जो मैंने स्टपनी थी वो ट्यूब वाली थी, वो टायर अंदर से कटा हुआ था, तो वो टायर तो था तो ठीक, लेकिन वो
उन्होंने पैसे नहीं उसके दिए, तो 1500 रुपया उन्होंने इसको लिया। नया ले उनके पास लेने चले जाओ तो कह देते हैं कि जी ये आपको 2000 का देंगे, हमसे 1500 के उन्होंने ले लिए दो, तो वो खुद बेशक आके 5000 का बेच दें। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इंशाल्लाह। तो नए व्लॉग में नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।